हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल ललित एंड लावण्या व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं स्टार्ट कर दूंगी, पर पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि स्टार्ट ही नहीं हो पाता। फिर कई बार ये लगता है कि कुछ है नहीं शूट करने को, क्या शूट करूँ, बट मैंने सोचा अब फिर से स्टार्ट कर देते हैं। आज है शिवरात्रि, तो मैंने सोचा आज से बेस्ट दिन कुछ हो ही नहीं सकता। तो अभी फ़िलहाल हो रखी है सुबह और मैं नहीं हूँ आज मैं जेनवन नहीं नहाई अभी तक, क्योंकि फिर मैंने सोचा है शिवरात्रि है ना, तो फिर इसलिए मैंने पहले उठ के पहले साफ सफाई कर दी है, पूरी डस्टिंग वस्टिंग कर दी है। तो अब नहा लूँगी, क्योंकि फिर नहाने के बाद जो डेली का रूटीन होता है वो अलग होता है, लेकिन जब फास्ट है आज तो मैंने सोचा है पहले सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर, क्योंकि अभी बनी बनी पापा भी सो रहे हैं, मम्मी अभी जस्ट नहाने गई हैं, तो मैंने डस्टिंग कर ली है। मेरा और मम्मी का फास्ट है, हम दोनों का फास्ट है, बाकी और किसी का फास्ट नहीं है। तो मैंने सोचा जब तक सब सो ही रहे हैं तब तक मैं डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ, फ्री हो जाऊँगी इस काम से। और तो फिर अब मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद का आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखना। और हाँ, मैं एक बात बताने वाली हूँ, एक तो मैं ये बताऊँगी कि मैंने इतने दिन से ब्लॉगिंग क्यों नहीं की थी, और दूसरा मैं बता रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं घूमने, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का प्लान था, कहाँ से क्या हो गया, मतलब सोचा कुछ था, हुआ कुछ, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो हो गया तैयार और दादी भी हो गई तैयार मंदिर के लिए। खड़े होकर दिखाओ बनी, आप सबको कैसे लग रहे हो? जल्दी खड़े हो, दिखा दे बिट्टू, खड़े होके दिखा दो कैसे लग रहा है बनी। हाँ, सुंदर लग रहा है, क्या देख रहे हो आप? तो फिलहाल हो गई मैं तैयार नहा धो के, और मम्मी भी तैयार है, बनी को मैंने पहले ही नहला धोला तैयार कर दिया था, और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते मतलब बनी के पापा और पापा जी दोनों का फास्ट नहीं है, तो इनके लिए नाश्ता बनाएंगे, फिर हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ हो गया नाश्ता तैयार, और नाश्ता तैयार करने के बाद बनी ने छुए बाबा के पैर, और पैर छूने के बाद हम चल दिए थे मंदिर के लिए। मंदिर हमारे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे, बट फिर रास्ते में बनी गोदी के लिए करने लगा तो बाबा के साथ चला गया, और आ गए थे हम मंदिर पे। तो अरे मोने, ये फूल ना चाहिए, वो इधर पत्ता आ रही है, ये तो पत्ता हैंगे और। तो आज मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जैसे तैसे करके लंबी, बहुत लंबी लाइन थी, लाइन में लग के हमने किए दर्शन, और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बस ऐसे समझ लो कि दूर से ही आज जल चढ़ रहा था। तो आगे पूजा करके, और मंदिर में इतनी भीड़ है, बस जल नहीं चढ़ा रहा है, मतलब जल ही जैसे जैसे चढ़ रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़। तो मंदिर से आने के बाद मैंने करी लंच की तैयारी, यहाँ मैंने आटा गूंथ लिया है, यहाँ मेरी दाल बन रही है, मतलब अब बंद हो गई, इसमें तड़का लगाना है, और ये मैंने मखाने भुने हैं व्रत के लिए। तो वहाँ से आने के बाद बनी थक गया और सो गया था, सोने के बाद फिर मैंने तिलक बनाया, वैसे मुझे पहले बनाना था बट उसने बनाने नहीं दिया। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज बनी का लुक कैसा लगा। और उसके बाद फिर हमने मतलब व्रत खोला, उसके बाद खाना वाना खाया, और फिर हम थोड़ी देर लेट गए थे, और अब हो गई है शाम, तो शाम को मैं बना रही थी चाय, बाकी सबकी चाय तो बन गई थी, बनी पापा के लिए बना रही थी गुड़ की चाय, उन्हें गुड़ की पीनी थी, तो मैंने चाय को पहले अलग से बॉयल कर लिया, और फिर लास्ट में जब बॉयल हो गई उसके बाद उसमें गुड़ डाला ताकि वो फटे ना। तो हो गई हूँ मैं सारे काम से फ्री, और ये देखो मैं कर रही हूँ पैकिंग, मैंने बनी के तो ऑलमोस्ट रख लिए हैं, एक दो कपड़े रखने और अपने मैं कपड़े रखूँगी। और मैं ये भी बताती हूँ कि कहाँ की पैकिंग चल रही है, कहाँ जा रहे हैं। तो हमने ना पिछले एक डेढ़ महीने से प्लान था कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, बट मैं ये भी बता देती हूँ मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि लास्ट मंथ मेरे मामूजी एक्सपायर हो गए थे, तो उस टाइम के बाद से मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। तो पहले प्लान था हमारा तब जाएंगे, बट फिर वो कैंसिल हो गया। तो अब हम जा रहे थे, अब हमने मतलब बहुत टाइम से सोचा है कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, मतलब फिर भी एक महीने से ये था कि 10 तारीख को वैष्णो देवी चलना है, 10 को वैष्णो देवी जाएंगे, बट पता है क्या हुआ, पंजाब में ना रास्ते बंद हो रखे हैं, कुछ धरने वरने पे बैठे हैं किसान, तो इस वजह से वहाँ से जाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि पता नहीं वहाँ फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, तो इसलिए अब हमने मतलब कल ही जाके वैष्णो देवी का प्लान कैंसिल किया है। अदरवाइज़ हमारा यही था कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, और हम जा रहे थे पूजा दी के साथ, तो वैष्णो देवी का प्लान कैंसिल हो गया फिर, क्योंकि बनी पापा ने छुट्टी ली हुई थी ऑफिस से, तो सोचा फिर जब भी छुट्टी है तो कहीं और ही चलते हैं। तो अब हमने प्लान बनाया है बनारस का,
तो वाराणसी जाते हैं। बट अभी भी पता है क्या ये चल रहा है कि ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएं, ट्रेन से जाएं, गाड़ी से आए। और मैं बता देती हूँ कौन कौन जा रहा है। हम जा रहे हैं, मतलब मैं, मम्मी, बनी के पापा, बनी, हम चारों, और पूजा दी, जिनी, काना और उनकी सासू माँ, मतलब मेरी मामी जी और जिया जी, हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम यही कन्फ्यूज़ थे कि हम गाड़ी से जाएं कि ट्रेन से जाएं। तो अभी मतलब अभी भी कन्फ्यूज़न है स्टिल। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अभी भी हम कन्फ्यूज हैं। बट ये है कि बैग पैक कर लेते हैं, सुबह का सुबह डिसाइड करते हैं कि ट्रेन से जाएंगे। अगर ट्रेन वाली टिकट मिल जाएंगी तो शायद हम ट्रेन से जाएंगे, अगर नहीं मिली तो हम बाय कार ही जाएंगे। तो अब कर लेते हैं पैकिंग। तो मैंने ना अपनी क्या बनी की ऑलमोस्ट पैकिंग कर ली थी, तो अभी मेरे पास टाइम है। फिर वैसे तो 5 बज गए हैं, मैं सोच रही हूँ पहले कुछ पैकिंग कर लेती हूँ, फिर शाम को खाने की तैयारी करके उसके बाद ही मैं पैकिंग करूँ थोड़ी बहुत, जो मेरी अपनी और बनी के पापा की भी मैंने पैकिंग की नहीं है, वो भी मुझे करनी है। और मम्मी अपनी पैकिंग कर ही रही हैं। तो चलो देखते हैं कि कल ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। और बताए आज सुबह तक हम ये कन्फ्यूज थे कि वैष्णो देवी ही चलें कि वहाँ जाएं, वैष्णो देवी चलें कि वहाँ जाएं, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से बोला हुआ है। इवन बनी के पापा ने और मैंने पिछले 1-1.5 साल से बस यही बोला है कि वैष्णो देवी जाएंगे, बट हम कभी कुछ जा ही नहीं पाते। ऐसा बोलते हैं ना कि माता रानी जब तक बुलाती नहीं है जब तक जाते ही नहीं है। तो वही चलता आ रहा है कि हम कितनी बार ट्राई कर लिए बट कभी कुछ हो जाता है, कभी ऐसे। अब देखो जैसे अब रास्ता बंद है, पहले कुछ और था, पता है क्या, अब क्या क्या था मुझे याद भी नहीं है। तो बस हर टाइम यही, पहले फिर यही था ना कि सर्दियां भी थी तो बनी को ज़्यादा सर्दी में भी नहीं ले जा सकते थे। तो बस यही चल रहा है, अब देखते हैं, बस माता रानी बुला ले। अब सोच रहे हैं कि अगर अब नहीं तो फिर नेक्स्ट मंथ जाना है, क्योंकि हमने बहुत टाइम से बोला हुआ है कि जाएंगे। तो चलो अब कर लेते हैं फटाफट पैकिंग। और मैं सोच रही हूँ पहले, क्योंकि 5 बज गए ना, खाना भी बनाना है, तो थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं व्रत का खाना बना के उसके बाद करती हूँ। तो चलो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू देखना। और मैं कर रही हूँ यहाँ पकौड़े की तैयारी, क्योंकि व्रत है तो बना रही हूँ कूटू के पकौड़े। मैंने उसके लिए क्या किया, पहले आलू को छील के चॉप कर लिया था, मतलब छोटे छोटे पीस कर लिए, उसके बाद मैंने पानी में बॉईल कर लिए ताकि पकौड़े बनाने में आसानी हो, फिर इससे ना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो थोड़ी देर मैं इन्हें बॉयल कर लूँगी, तब तक मैं बैटर मिक्स करके और फिर व्रत का बना लेती हूँ पकौड़े, क्योंकि सभी खा लेते हैं पकौड़े, तो इसलिए मैंने सभी के लिए बनाए हैं। तो कल का व्लॉग मैंने सिर्फ वहीं तक शूट किया था, उसके बाद हो गया था कैंसिल कि आज सुबह हम नहीं जा रहे हैं। तो फिर मैंने आगे का शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह से फास्ट था, खाना खा कर फिर मुझे बहुत आलस आ गया, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ मैं आगे का व्लॉग को शूट करूं। मैंने आगे कोई पैकिंग भी नहीं की थी, तो व्लॉग मैंने वहीं तक शूट किया। तो आज अभी बज रहे हैं रात के 8:30, और अब मैं 8:30 बजे क्यों व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ बताती हूँ। कि जब रात कैंसिल हो गया था कि आज मॉर्निंग में नहीं जा रहे हैं, तो ये था कि अब परसों जाएंगे, मतलब संडे में जाएंगे। तो अब हमारा मतलब यही प्लान था कि सुबह सुबह निकलेंगे, बट पूजा दी का फ़ोन आया, जिया जी का फ़ोन आया कि यहीं से साथ में चलेंगे, एक ही गाड़ी में से में जा रहे हैं मतलब सब लोग, कि फिर वो सामान रखने में परेशानी हो जाती है, तो तुम लोग अभी आ जाओ रात में। तो हमने खाना वाना खा लिया है, आज मैंने बनाई थी, देखो दिखाती हूँ, मतलब मैं खाना खा ही रही थी, ऑलमोस्ट खा ही लिया है और मतलब ही मन नहीं है। तो बनाई थी बाजरे की रोटी और पेठे की सब्जी, खा लिया है खाना, सामान भी पैक हो गया है। बनी कहाँ जा रहे हो? जीनी और ये रहा हमारा सामान, अभी जिप नहीं लगाई है, वैसे पैक है और चेंज करना है, मैं सूट चेंज करूंगी बस। बाकी बनी तैयार है? नहीं क्या पहनेगा बनी? काओ पहने। तो 9:30 हो रहे हैं, फटाफट अब खा लिया खाना, सब मतलब घर का मतलब काम वाम भी सब हो गया, क्योंकि पापा जी रहेंगे घर पे अकेले, हम लोग जा रहे हैं। तो अभी बर्तन वर्तन कर दिए, पूरी किचन समेट के अब फटाफट कर देते हैं तैयारी, और आगे का व्लॉग आपको कंटिन्यू दिखाते हैं। चलो गाड़ी में रखो, पापा तो रह गए, न्यू गए पापा, हाँ पापा तो रह गए, चलो चलो देखे देखे। क्या नहीं पकड़ो क्या नहीं नेंद्र को सराते हैं किसी का कर रखा हूँ, अभी बोल पेंटिंग बना रहे थे, पेंटर के ही पार दिए एक उन चल रहा सोले ये देखा
सबसे सुंदर कौन है मनी? बनी बुआ की शक्ल कैसी है? अभी बज रहे रात के एक, जिन्नी तो सो रही है, मिनी सो रही है, 1:08 हो गई। सुबह कितने बजे निकलना है दीदी? 4 बजे। सुबह 4 बजे निकलना है और रात में 1 बजे केक। किस खुशी में? कुछ है वैसे ही? वुमेन्स डे का है और 60 के। ओके, कांग्रेचुलेशंस दीदी। अभी देखो, अभी 15 आज डेट है, आज 9 हो गया ना, 15 तक हो जाने चाहिए, हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक शीतल दी का जो दूसरा अकाउंट है, शीतल जेड़ा ऑफिशियल 2, अगर उसको फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर दो, क्योंकि गिववे, बहुत सारे गिववे आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट को फॉलो करना पड़ेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।